रात्री 11 वाजेपासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. कृपया कोणी घराबाहेर निघू नये, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. क्या भैया? कोई कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है. एक ही गाड़ी मिली हमको तो. अभी घूम रहे थे. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एक ऑर्डर निकला है, इसमें आज से 5 जनवरी तक रात से 11 और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, ऐसा आदेश मिला है. यह आदेश को मद्देनजर रखते हुए हमने आज माननीय पुलिस आयुक्त SP मैडम, महानगर पालिका कमिश्नर, इनके साथ मैंने डिस्कशन किया कि इसका ज़िले में इसके बारे में कार्रवाई कैसे की जाएगी. और इसको मद्देनज़र रखते हुए आज एक दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक VC लिया था, इसमें डिटेल्स गाइडलाइन दिए हैं कि इसके बारे में काम कैसे करना है. तो ये जो नाइट कर्फ्यू रहेगा, इसमें 5 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा नहीं जमा होने का है. और कर्फ्यू रहेगा तो भी नागरिक लोगों की जो अत्यावश्यक बाधे है, इमरजेंसी सर्विसेज, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसमें हॉस्पिटल्स, आरोग्य सेवा, क्लिनिक्स, मेडिकल शॉप ये शुरू रहेंगे. हमारा शहर औद्योगिक शहर है, सभी कारखाने और सभी जो फैक्ट्रीज है शुरू रहेंगे. उसमें जो लोग काम करेंगे वो भी जा सकते हैं. दे विल हैव टू डिस्प्ले, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड डिस्प्ले करें. उनकी बसेस भी मूव करेंगी, उनको लेके जा सकती है. जो फैक्ट्रीज है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है या फैक्ट्रीज में से फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, ये दोनों की जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसके बाद में पेट्रोल पंप्स, इमरजेंसी सर्विसेज, जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है ये भी चलेगा. इसके लिए जो पोर्टर्स काम करेंगे, हमारे लोग काम करेंगे, उनके लिए भी परमिशन होगा. ऑल कॉल सेंटर्स, ऑफिसेज, टैक्सीज, कार, ऑटोज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये भी फंक्शन कर सकता है. ये सब करने का इसीलिए हमने किया है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज सुबह के विषय में बताया था कि यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया से जो फ्लाइट से वो अभी आज रात से वो बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में कुछ ये जो कोरोना वायरस है इसका एक नया स्ट्रेन ऑब्जर्व हुआ है, उसके बारे में उसका स्टडी चल रहा है. तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे महाराष्ट्र में ये निर्णय लिया है. पहले ये जो स्थिति है कॉरपोरेशन एरिया में की जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी रूरल एरिया में भी कुछ कहीं जगह पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, इसका कुछ पुलिस से कुछ इनपुट आया, तो डेफिनेटली ऐसी बात इसका एक प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार की अनुमति लेके ये बात खेड़े के कुछ सिलेक्टेड स्पॉट्स के लिए की जाएगी. मेरी आप सभी के माध्यम से विनती है कि जो होटल्स है, ऑल होटल्स दे शुड क्लोज बाई 10:30, 10:30 बजे बंद होने चाहिए. चाहे वो 25 दिसंबर हो, नाताल हो, या 31 दिसंबर हो, तो दोनों ही इसमें कोई भी ढील नहीं दी जाएगी. और मुझे विश्वास है कि सभी नागरिकों ने आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोविड के प्रतिबंध में बहुत अच्छा साथ दिया है. उसके मद्देनज़र हमारा कोविड का जो पेशेंट की संख्या है बहुत कम हो गई. तो इसमें भी ये जो 15 दिन आएंगे, हम सब मिल के इसको टीम वर्क के तहत इसको लागू करेंगे. सर, हवाई अड्डे का बताया आपने, क्या है वहाँ का नियोजन, क्या है हवाई अड्डे का जो आ रहे हैं हवाई जहाज़ से? हवाई जहाज का जो मैंने बताया था दैट वाज फॉर मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन मेरे पास भी जो पैसेंजर आएंगे, जो अभी तो मैं दिल्ली, गोवा, राजस्थान, इसके लिए हमारा चेकिंग ऑलरेडी शुरू हुई एयरपोर्ट पर. हम आने वाले पैसेंजर की RT-PCR टेस्ट करने जा रहे हैं. अगर उसके पास रिपोर्ट है तो हम रिपोर्ट को देख के उसको 72 आवर पहले का है तो उसको छोड़ दे दें. अभी ये चेकिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी. जो पैसेंजर आएगा उसको चेक किया जाएगा कि वो आया कहाँ से. पैसेंजर्स तो हो सकता है हैदराबाद से आए, लेकिन पहले अगर वो इंग्लैंड से आया, हैदराबाद गया, फिर इधर आया, ये सब चेक किया जाएगा. और अगर ऐसा हो गया कि कोई उधर का पैसेंजर इधर आ गया, क्योंकि हम वो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं थ्रू आवर CM's ऑफिस या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, वो भी ऐसे पैसेंजर को 7 दिन के पहले इधर ना भेजें. अगर कोई पैसेंजर इंग्लैंड से हैदराबाद उतरा
उसका आरटीपीएसआर टेस्ट वहीं पे करें और वहीं पे उसको क्वारंटाइन करके फ्री भेजा, ऐसा रिक्वेस्ट हम उनको करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी हो गया तो ये कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी।